बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज खाने में एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी बन रही है। आज बन रही है चने की दाल और मेथी। हो सकता है ऐसे कोई ना कोई तो बनाता ही होगा चने की दाल मेथी को मिक्स करके। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं मेथी और चने की दाल बन रही होगी, लेकिन मेरे घर ये फर्स्ट टाइम दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया जा रहा है। तो इसका भी यानी मेरे जहन में ख्याल इस तरह आया था कि आधे घर वाले चने की दाल पे एग्री कर रहे थे कि चने की दाल बनेगी और आधे घर वाले आलू मेथी पर थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने चने की दाल और मेथी इन दोनों को मिक्स करके बनाया और ये इतनी कोई मज़े की दाल बनी थी कि हमारे घर में जो मेथी नहीं पसंद कर रहे थे उन्होंने भी मेथी बहुत शौक से खा ली थी। तो सबसे पहले तो यहाँ हाफ़ के जी दाल मैंने ली है, इसको मैंने धो के और भिगो दिया है। जब तक के लिए पानी जो है नहीं उबल जाता तब तक ये भीगी रहेगी। इसमें टाइम होता तो मैं कम से कम इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो देती, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था तो बस इतनी देर ही भिगोया कि जितनी देर में पानी बॉयल हो रहा है। तो मेथी के पत्ते अलग कर लूँगी मैं डंडियाँ इसकी नहीं डालती हूँ। बाज़ लोग डंडी भी इस्तेमाल करते हैं इसकी, लेकिन मैं सिर्फ इसके पत्ते यूज़ करूँगी क्योंकि डंडी गलती भी नहीं है, फिर वो खाने में मज़ा नहीं देती। धो के इसको भी हमने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार के हमने इसको छान के रख लेना है। तो दाल का पानी जब बॉयल होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक और इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी डाल दी थी और बस इसमें दाल को डाल देंगे और इसको हमने दाल को फुल डन करना है, यानी दाल में कोई कसर बाकी ना रहे, बिल्कुल सख्त ना हो, बिल्कुल फुल डन कर देंगे हम दाल को। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है, मिक्स करके दाल डाल देंगे हम इसमें। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की थी और आसान सी रेसिपी थी। और यकीन करें जो मेथी नहीं पसंद करते वो भी इसको शौक से खा लेंगे। तो साथ ही एक बाउल मैंने रख दिया है ताकि जो झाग ऊपर आए वो मैं साथ साथ इसके उतार लूँ। तो मेथी भी अब मैंने पानी में डाल दी है, उसको भी बॉयल कर लेंगे और दाल के ऊपर जो झाग आ रही है उसको भी हम उतार के साइड पर कर लेंगे। तो बाकी जो चीज़ें इसमें डालनी है वो आप एक दफ़ा नोट कर लें। 2 मीडियम से साइज़ के देखें प्याज मैं चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए, इसको चॉप कर लेंगे। और देखें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने रखे हुए हैं, वो भी छिलका उतार के डालूंगी मैं इसमें। इसी तरह 2-3 जवे लहसुन के ले लेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा हम ले कर उसको क्रश कर लेंगे। तो कढ़ाई में यहाँ मैं तकरीबन 1/2 प्याली तेल डाल दिया है इसमें मैंने, और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को जो है बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर देना है हमने, और जब प्याज का कलर अच्छा गोल्डन आ जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि मज़ीद प्याज का अच्छा कलर निकल गया है। तो पानी डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक जो क्रश करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस, उसमें नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हम इसमें तकरीबन 2 टीस्पून, और इस तरह खुश धनिया का पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। चने की दाल में काली मिर्च का पाउडर बहुत मज़े का लगता है तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर देखिए छिलका उतार के स्लाइस करके वो डाल दिए इसमें मैंने। तो थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। तो थोड़ी देर बाद देखिए टमाटर गल चुके हैं, छिलका क्योंकि उतार लिया था इनका। और अब हम इसमें डाल देंगे मेथी, देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और मसाला कितना मज़े का लग रहा है। अब इसमें मेथी डाल देंगे जो मैंने बॉयल कर ली थी, एक दफ़ा उसको ठंडे पानी से गुजार के और मैंने निचोड़ के अच्छी तरह पानी अच्छी तरह निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं, मेथी भी बॉयल हुई हुई है, उसके अलावा चने की दाल भी फुल डन है। बस अब इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल डालने के बाद इसको हम एक दफ़ा मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हीट नीचे आपने तेज़ रखनी है। अब मिक्स करके अच्छी तरह अब इसको हमने क्या करना है, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन यूँ कह लें कि जिस चम्मच से मैं पका रही हूँ ना उस चम्मच को मैं तकरीबन 1 चम्मच पानी डाल दूँगी मैं इसमें। अब लास्ट में देखिए मैंने इसमें क्रश की हुई लाल मिर्ची भी डाल दी हैं, और ये देखें पानी मैं सिर्फ इतना सा डाल रही हूँ, वो भी इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमने थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा पानी डाला है ताकि तेल भी फिर ऊपर आ जाएगा। तो बस इसकी हीट अब हमने कर देनी है आहिस्ता, ढक्कन इसके ऊपर बंद कर देंगे और 6 मिनट बाद देखें तेल देखें कितना अच्छा ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है और हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खुशबूदार
बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इसका फीडबैक दें, और कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ट्राई करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और रेसिपीज़ को जितना हो सके आप आगे शेयर कर दिया करें। तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।